इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें एडिशन के शुरू होने से पहले कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खास नजरें थी, जिसमें फैंस से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक इन प्लेयर्स के आईपीएल में धूम मचाने की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कई नाम थे। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने अपने नाम और उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया और अब तक के इस सीजन के सफर में निराश किया है, जिसमें से एक नाम है भारत के युवा स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का। जी हाँ, शुभमन गिल का इस सीजन नहीं रहा है उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन। शुभमन गिल ये वो नाम है जो पिछले करीब 12 महीनों से भी ज्यादा वक्त से क्रिकेट के मैदान में रनों की बारिश कर रहे थे। टीम इंडिया के इस युवा खिलाड़ी ने पिछले आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप पर कब्जा किया था। गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे शुभमन गिल का बल्ला इस बार इतना ज्यादा नहीं चल सका। गिल ने इस सीजन में अब तक खेले गए 11 मैचों में 137 के करीब की औसत से सिर्फ 322 रन ही बनाया है। इस दौरान सिर्फ 2 बार 50 प्लस स्कोर बना सके हैं। उनकी खराब फॉर्म ने गुजरात टाइटंस को भी नुकसान पहुंचाया है। शुभमन गिल के प्रदर्शन पर वीरेंद्र सहवाग भड़के हैं। शुभमन गिल ने पिछले कुछ महीनों से तो लगातार निराश किया है, जिनके बल्ले से पिछले 5 मैचों में एक भी 50 नहीं और वो इस दौरान काफी संघर्ष करते भी दिखाई दिए। भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग शुभमन गिल पर बुरी तरीके से भड़क गए हैं। वीरू ने गिल के प्रदर्शन पर खुलकर बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि गिल लकी हैं कि उन्हें वर्ल्ड कप में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर जगह मिली है। वीरू ने गिल को सलाह दी और उन्हें पूर्व दिग्गजों यानी सचिन, गांगुली, लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे लोगों से सीखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने अपने दिनों के खेल को भी याद किया। शुभमन गिल लकी हैं कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व मिली है, ये बात सहवाग ने कही है। वीरेंद्र सहवाग ने शुभमन गिल को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि वो भाग्यशाली हैं कि उनका नाम T20 वर्ल्ड कप के रिजर्व में है। KL राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ तो उसमें भी नहीं है। ये एक अच्छी बात है और उन्हें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगली बार उन्हें एक बार मौका मिलने के बाद उसे जाने नहीं देना चाहिए। उन्हें अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी जगह कोई और ना ले। आपको बता दें, शुभमन गिल को भारत के स्क्वाड में तो नहीं चुना गया, लेकिन रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर वो वर्ल्ड कप टीम इंडिया के साथ जाएंगे। वीरू ने क्या सुझाव दिया, चलिए आपको बताते हैं। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने आगे कहा कि मेरे समय में हमारे समय गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण थे। इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे खिलाड़ी कितने रन बनाते हैं। ये खिलाड़ी टीम से बाहर नहीं होते थे क्योंकि वो लगातार रन बनाते रहते थे। अगर कोई लगातार रन बनाता है तो आप उसे कैसे बाहर करोगे। उन्होंने कभी भी खुद को बाहर होने का कारण दिया ही नहीं। यही शुभमन गिल को सीखना चाहिए। एक बार जब वो वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम में वापस आता है तो नियमित रूप से खेलता है। उसे फिर से ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए। अपनी स्किल्स में सुधार करो और बड़े रन बनाओ, क्योंकि बड़े स्कोर अंततः तुम्हें बचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट जगत की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।